हेलो दोस्तों, आज है दूसरा दिन अननोन फैक्टर जानने का। तो मैं आपको ऐसा अननोन फैक्टर बताने वाला हूँ जो कि आप में से 99 लोगों को नहीं पता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मैं दोनों तो वीडियो को इंटरेस्ट जरूर से देखना। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई, आपको पता है कि अभी हाल ही में इंडिया ने बांग्लादेश को आसानी से टेस्ट मैच में हरा दिया, जिसके सबसे बड़े हीरो थे रविचंद्रन अश्विन, जिसको मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला इस पहले टेस्ट में। तो मैं आपको आज ऐसे चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको पता ही नहीं है कि मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज सबसे ज़्यादा भारत के लिए किस खिलाड़ी ने जीते हैं, दोनों को मिलाकर किस खिलाड़ी ने, मैं आपको बता देता हूँ। तो छठे नंबर पे आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज कुल मिलाकर 13 बार जीते हैं टेस्ट क्रिकेट में। पाँचवें नंबर पर आते हैं वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने भी कुल मिलाकर 13 बार ही मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है। और उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं अनिल कुंबले, जो कि 14 बार दोनों मिलाकर खिताब जीते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं राहुल द्रविड़, दवाल राहुल द्रविड़ आते हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर 15 बार मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है। और दूसरे नंबर पे आते हैं सचिन तेंदुलकर, मास्टर वर्सेस सचिन तेंदुलकर इस सिस्टम में दूसरे नंबर पे आते हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज 19 बार जीता है। और सबसे पहले पर आते हैं रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने यह कारनामा सबसे ज़्यादा बार किया है मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज जीतने का खिताब। सबसे ज़्यादा रविचंद्रन अश्विन जीते हैं, जो कि जीते हैं 20 बार। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करना, जरूर से बताना और नीचे एक कमेंट जरूर से कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।